हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज से हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की है एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान की, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नों को एक नए अंदाज में करने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत प्रश्नों को ऐसे सेट किया गया है कि एक प्रश्न से कम 3 से 4 प्रश्नों को कवर किया जाएगा। और सबसे खास बात ये है कि ये एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, गन्ना पर्यवेक्षक, TGT, PGT, LT ग्रेड और UPPSC के विभिन्न एग्जाम सभी के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसके अतिरिक्त ये ICR, BHU, UP कैटेट और UPSSC केन सुपरवाइजर, ठीक है, इन सभी के लिए भी, और LT ग्रेड, इन सभी के लिए भी बहुत ही मतलब उपयोगी सिद्ध होगी। और इस सीरीज में हम लोग पहले ऐसे क्वेश्चन सेट किए गए हैं जिनमें कम से कम 3 से 4 प्रश्नों को सॉल्व करने का, एक प्रश्न के माध्यम से 3 से 4 प्रश्नों को मतलब सॉल्व करने का प्रयास किया गया। और लास्ट के जो कुछ क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को लगाया गया है, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक के पूछे गए हैं। और इस सीरीज को हम कुछ दिनों तक ऐसे चलाएंगे कि कम से कम 10 सालों के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों को जो पूछे गए हैं उनको कवर किया जा सके। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज की मोटिवेशनल कोट्स है, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नज़दीक आती गई मंजिल मेरा हौसला देखकर। दोस्तों, अपने हौसले को यूं ही बनाए रखना और अध्ययन करते रहना। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस इंटरनेशनल संस्थान का मुख्यालय भारत में स्थित है? इक्रीसेट, IRRI, CGIAR, IBGPR। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा इक्रीसेट। इक्रीसेट जो है ये एक इंटरनेशनल संस्थान है जो कि हैदराबाद भारत में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फुल फॉर्म की। इसका फुल फॉर्म है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है, एक बार दोबारा सुन लीजिए, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है। और कहाँ है? हैदराबाद, हैदराबाद में है। और स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो होती है 1972 में होती है, ठीक है। दूसरे संस्थान की बात करते हैं, दूसरा संस्थान जो यहाँ पे दिया गया है IRRI, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसकी स्थापना 1960 में होती है। और इसका जो मुख्यालय है लास बानोस, कहाँ है? लास बानोस फिलीपींस, ठीक है, लास बानोस फिलीपींस में है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। और यहीं से एक महत्वपूर्ण वैरायटी निकली थी IR8, जिसे विश्व का जादुई धान भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी एक मतलब जो एशिया रीजन की शाखा है जो इसकी, वो कहाँ पे है? भारत में, भारत के वाराणसी में स्थापित है, जो कि IRRI के नाम से ही जानी जाती है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन CGIAR। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसका पूरा नाम है कंसल्टिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना 1971 में होती है, कब होती है? 1971। और कहाँ? USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पे इसकी स्थापना की जाती है। और इसका जो कार्य है, सामान्य कृषि से संबंधित जो अध्ययन होते हैं उनका अध्ययन इसी संस्थान के द्वारा किया जाता है, ठीक है। पूरा नाम दोबारा सुन लीजिए, कंसल्टिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। अब लास्ट की बात करते हैं,
सभी संस्थान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां पे इनका हम पूरा नाम और इनकी स्थापना बता रहे हैं, ठीक है। IBGPR आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, जो कि कहां स्थित है, रोम इटली में, रोम इटली, ठीक है, रोम इटली में स्थित है, ये चीज याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, पोमोलॉजी, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये इसकी परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावना रहती है, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो है ये लैटिन प्लस ग्रीक दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, दो भाषाओं के लैटिन और ग्रीक शब्दों, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर ये बना है। एग्रोनॉमी जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, नोट डाउन कर लेंगे। हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का है, और एंटोमोलॉजी की बात करें तो ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। NDDB के पहले चेयरमैन कौन है, NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आप लोग बताएंगे इसके पहले चेयरमैन, यहाँ पे पूछा गया है NDDB के पहले चेयरमैन कौन है, तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया है, एक ऑप्शन यहाँ पे होगा ई, और नाम होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, NDDB के पहले चेयरमैन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका मुख्यालय की पहले बात कर लेते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, आनंद गुजरात में है, और इसकी स्थापना जो होती है आनंद गुजरात, ठीक है, कहाँ है, आनंद गुजरात में, स्थापना 16 जुलाई 1965, इसका मुख्यालय आनंद गुजरात में है, स्थापना 16 जुलाई 1965 को होती है, और इसके प्रथम जो चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के पहले चेयरमैन कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और यहीं पे बात कर लेते हैं हम से, यहाँ पे दिया गया है सैम पित्रोदा, ये भारत में जो पीली क्रांति हुई थी उससे संबंधित हैं, सैम पित्रोदा पीली क्रांति के जनक हैं ये, सैम पित्रोदा जो कि तिलहन से संबंधित थी, ठीक है। और यहाँ पे हम और बात करते हैं बीपी पाल जो थे आईसीएआर के पहले महानिदेशक हैं, और आईसीएआर की स्थापना कब होती है, 16 जुलाई 1929, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में आईसीएआर के चेयरमैन कौन हैं, आप लोग बताएंगे, वर्तमान में आईसीएआर के चेयरमैन यानी कि महानिदेशक इसके कौन हैं, वर्तमान में इसके महानिदेशक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। और वर्षा जोशी जो हैं ये NDDB की, मतलब मई 2021 तक की कौन थी, चेयरमैन थी, और वर्तमान में इसके चेयरमैन की बात की जाए, वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं मिनेश शाह हैं, कौन है, NDDB के वर्तमान चेयरमैन मिनेश शाह हैं, और ये मई 2021 तक के चेयरमैन थी वर्षा जोशी। यहाँ पे आप लोगों को ये डाउट मत रखना,
क्योंकि इसके वर्तमान चेयरमैन है जिन्होंने 1 जून 2021 से पदभार ग्रहण किया है, वो मिनेश शाह हैं। इससे पूर्व वर्षा जोशी थी और पहले इसके चेयरमैन जो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही दुग्ध क्रांति का जनक भी कहा जाता है, वाइट रिवोल्यूशन। ठीक है, वाइट रिवोल्यूशन के जनक जो हैं वो कौन है, फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इम्पॉर्टेंट है, सभी ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परभनी क्रांति का संबंध किससे है, परभनी जो क्रांति है इसका संबंध किससे है, भिंडी उत्पादन से, कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, नींबू वर्गीय फलों के उत्पादन से। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा भिंडी उत्पादन से। परभनी क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंधित है, कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन का संबंध किससे है, इसका राइट आंसर होगा भिंडी उत्पादन। ठीक है, और कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन इंद्रधनुषीय, कौन सी क्रांति थी, इंद्रधनुषीय क्रांति, इंद्रधनुषीय क्रांति। ठीक है, इंद्रधनुषीय क्रांति। और आगे हम बात करते हैं, उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी थी, धूसर क्रांति, धूसर क्रांति, जिसे ग्रे रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। यह उर्वरक उत्पादन या फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से संबंधित थी। और यहीं पे एक आती है भूरी क्रांति, यहाँ पे अक्सर कैंडिडेट को डाउट हो जाता है कि धूसर क्रांति और भूरी क्रांति में, तो भूरी क्रांति आप लोगों को बता देना चाहते हैं यहाँ पे कि भूरी क्रांति जो है ब्राउन रिवॉल्यूशन, वो फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है। और नींबू वर्गीय फलों के उत्पादन से जिसका संबंध है वो कौन सी क्रांति है, ऑरेंज क्रांति। ठीक है, ऑरेंज रिवॉल्यूशन, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, धान्य फसलों के राजा की संज्ञा किसे दी गई है, ज्वार, गेहूं, मक्का, चना। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा गेहूं। गेहूं को धान्य फसलों का राजा कहा जाता है, और मक्का को धान्य फसलों की रानी, धान्य फसलों की रानी, चना को दालों का राजा, दालों का राजा। ठीक है, और ज्वार को मोटे अनाजों का राजा, मोटे अनाजों का राजा, अनाजों का राजा, या इसे कैमल क्रॉप, जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, कैमल क्रॉप। कैमल क्रॉप इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये अत्यधिक सूखा सहन करने वाली फसल होती है। और ऊंट जो होता है, ऊंट भी बिना पानी पिए काफी दिनों तक मतलब रह सकता है, इसलिए इसकी संज्ञा कैमल क्रॉप से, मतलब कैमल से की गई है, इसलिए इसे कैमल क्रॉप कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, गेहूँ धान्य फसलों का राजा, धान्य फसलों की रानी मक्का, दलहनों का राजा चना, और कैमल क्रॉप किसे कहा जाता है, ज्वार को कहा जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और बात करें गेहूँ, गेहूँ का जो है उत्पादन सर्वाधिक क्षेत्रफल वर्तमान में किसके अंतर्गत है, गेहूँ के अंतर्गत है। ये चीज़ भी आप लोग, विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल गेहूँ के अंतर्गत ही है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में गेहूं का कौन सा जीन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा पृथक किया गया था, नोरिन 10, RST1, RST2, DZO-ZEN। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। नोरिन 10 जो है, इसे किसने आइसोलेट किया था, ये नॉर्मन ई बोरलॉग, जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, नॉर्मन ई बोरलॉग, इनके द्वारा इसे पृथक किया गया था, यानी आइसोलेट किया गया था, नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, लॉग है, लॉग बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग।
और ये गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है, ठीक है। RST1 और RST2 ये भारत में गेहूं के लिए भारत में गेहूं के बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन से हैं? RST1 और RST2। RST का मतलब होता है रिड्यूस्ड, फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, रिड्यूस्ड हाइट वन और रिड्यूस्ड हाइट टू। और जिसमें से रिड्यूस्ड हाइट वन जीन का, जो जीन को आइसोलेट करने वाले कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, स्वामीनाथन। RST को आइसोलेट करने वाले कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में, ठीक है। और अगर ऐसे पूछा जाए क्रांति का जनक, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति का जनक कौन है, तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग होगा। अगर भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन होगा। और इन्होंने ही गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन रिड्यूस्ड हाइट टू का मतलब को पृथक किया था या आइसोलेट किया था, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन, ये जो जीन थी हमारे यहाँ जो गेहूं की पहले वराइटीज पाई जाती थी वो अत्यधिक मतलब लंबी किस्में होती थी और उनमें मतलब जैसे आंधी तूफान वर्षा इत्यादि के कारण वो गिर जाती थी, जिससे उनमें उनके उत्पादन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता था और उनका उत्पादन भी कम हो जाता था, ठीक है। और जब 1966 और 1967 के बीच में जब हरित क्रांति आई, उस टाइम में गेहूं के उत्पादन में काफ़ी मतलब बढ़ोतरी देखने को मिली, क्योंकि अब जो यहाँ पे गेहूं के लिए जो मतलब किस्में बोई जाती थी वो बौनी किस्मों यहाँ पे भारत में बोई जाने लगी थी। और बौनी किस्में ये होती है कि इन्हें आंधी तूफान इत्यादि के कारण ये मतलब फसलें जो होती गेहूं की वो गिरती नहीं है, जिससे कि उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के लिए इन जीनों का प्रयोग किया गया था। और DZOZEN ये चावल में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है, जो ये DZOZEN है ये चावल में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सी है? DZOZEN, ठीक है। चावल में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। काजू और पपीता की खेती भारत में किस शताब्दी में प्रारंभ हुई? वेरी इंपॉर्टेंट है। 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 16वीं शताब्दी। काजू और पपीता, इसके अलावा और भी फसलें थी जैसे तंबाकू था, आलू, मिर्च इत्यादि पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाए गए और उसी टाइम में इसकी खेती भारत में शुरू होती है, जो कि कौन सी शताब्दी थी? 16वीं शताब्दी थी। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं 15वीं शताब्दी में अनार, बैंगन, इनकी खेती जो थी वो कब प्रारंभ हुई भारत में? 15वीं शताब्दी में। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वार की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? CSH1, HB1, पूसा मेघदूत, पारस, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा CSH1। CSH1 जो है ये ज्वार की प्रथम संकर किस्म है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और इसे 1964 में विकसित किया गया था। और HB1 की बात करें तो ये बाजरे की प्रथम संकर किस्म है और इसे 1965 में विकसित किया गया था, ठीक है। बात करते हैं पूसा मेघदूत, ये लौकी की प्रथम संकर किस्म है, लौकी की,
ये लौकी की प्रथम संकर किस्म है, ठीक है। लास्ट में दिया गया है पारस, पारस जो है ये मक्के की, जो मक्का है ठीक है, मक्का की प्रथम एकल संकरण किस्म है, प्रथम एकल संक्रमण, एकल संकरण, एकल संकरण किस्म है, एकल संकरण किस्म, ठीक है। मक्का की प्रथम एकल संकरण संकर किस्म है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी क्वेश्चन, और आप लोग चाहें तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। बाकी हम इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर एग्रोनॉमी से किसी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से इसी सीरीज के माध्यम से आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, श्री रतनलाल, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, त्रिलोचन महापात्रा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ए, शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, ठीक है। ये जो हैं क्या हैं, इन्हें विश्व 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, और इन्होंने योगदान किस क्षेत्र में दिया है? जो समुद्री भोज्य उत्पाद होते थे उनके लिए इन्होंने बहुत ही मतलब अच्छा कार्य किया है, इसीलिए इन्हें शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2020 की बात कर ली जाए, 2020 का जो विश्व खाद्य पुरस्कार था वो किसे प्रदान किया गया था? ये 2020 का, ठीक है, ये रतनलाल को प्रदान किया गया था, जो कि एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है, और ये भी शकुंतला हरक सिंह भी एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो जन्मभूमि है वो भारत ही है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन प्रथम विश्व पहला विश्व खाद्य पुरस्कार जो था वो किसे प्रदान किया गया था? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, पहला विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। त्रिलोचन महापात्रा की बात करें तो ये वर्तमान में कौन है? ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के क्या हैं? महानिदेशक हैं, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना अभी हम पीछे बता भी चुके हैं, 16 जुलाई 1929 को होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर CITH शॉर्ट फॉर्म कहाँ स्थित है? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। लखनऊ, बेंगलुरु, बीकानेर, केरल, और एक और ऑप्शन है इसमें ई, जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी या ई? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ई। क्या होगा? ई इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं केरल की, केरल में कौन एक महत्वपूर्ण संस्थान स्थित है? नोट डाउन कीजिए, केरल में जो एक महत्वपूर्ण संस्थान स्थित है उसका नाम क्या है? सेंट्रल प्लांटेशन, ठीक है, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? सेंट्रल प्लांट क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? कासरगोड केरल में है, CPCRI कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में कौन सा महत्वपूर्ण संस्थान स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट
ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ये बीकानेर राजस्थान में स्थित है। बेंगलुरु में IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, IIHR, ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहीं पे बात कर लेते हैं, ये जो लास्ट दिया गया है लखनऊ, लखनऊ में CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ पे, लखनऊ में स्थित है, ठीक है। ये सभी संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम और फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है, भारत, रूस, चीन, USA, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा भारत, भारत दलहन का सर्वाधिक उत्पादन उपभोग और आयातक देश है, प्रथम विश्व का प्रथम दलहन उत्पादक उपभोक्ता, ठीक है, और आयातक, तीनों में प्रथम स्थान किसका है, भारत का है। अब ये एक सोचने वाली बात है कि सबसे अधिक उत्पादन होने के बावजूद भी भारत में दाल को आयात करना पड़ता है, ये करीब 70% दाल का आयात भारत करता है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है, गेहूं, चावल, मक्का या ज्वार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग देंगे। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा मक्का, मक्का में कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, USA में होता है। गेहूं की बात की जाए, विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसके अंतर्गत है, गेहूं के अंतर्गत है। और भारत में एशिया की बात की जाए तो चावल का है, एशिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो चावल का है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो गेहूं का है, और मक्का का सर्वाधिक क्षेत्रफल USA में, और मक्का का सर्वाधिक उपभोग करने वाला भी जो स्टेट या देश है वो कौन है, USA है, सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। निम्न में किस फसल में प्रॉपिंग की क्रिया की जाती है, मूंगफली, केला, गन्ना, सी और डी दोनों, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा सी और डी दोनों, यानी कि केला और गन्ना। प्रॉपिंग की क्रिया जो होती है पौधों को सहारा देना, क्या होती है, पौधों को सहारा देना, पौधों को सहारा देने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, प्रॉपिंग कहते हैं। और इसके अंतर्गत केला और गन्ने के पौधों को सहायता दी जाती है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जब केले में फल आते हैं तो केले के शीर्ष भाग का जो भाव वो होता है भार वो बढ़ जाता है, जिससे कि पौधा झुक जाता है और आंधी तूफान या बारिश के कारण गिर भी जाता है, जिसके कारण उसे सहारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। और गन्ने में भी यही समस्या होती है, जब गन्ना अधिक लंबा हो जाता है तो बारिश के मौसम में उसे उलटने की संभावना होती है, जिससे कि काफ़ी क्षति हो जाती है, और इससे बचाने के लिए गन्ने को एक दूसरे से बांध दिया जाता है, ये क्रिया जो होती है क्या कहलाती है, प्रॉपिंग की क्रिया कहलाती है, ठीक है। मूंगफली में महत्वपूर्ण क्रिया क्या होती है, अर्थिंग, यानी कि मिट्टी चढ़ाने की क्रिया की जाती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, गन्ने में भी अर्थिंग की क्रिया होती है। निम्न में किस फसल का संबंध क्यूरिंग की क्रिया से नहीं है, तंबाकू, चाय, प्याज, गन्ना, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्यूरिंग का मतलब होता है नमी हटाना, यानी मॉइस्चर को रिमूव करना, नमी हटाना,
नमी हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्यूरिंग कहते हैं। और ये किन किन फसलों में, इसमें से इसमें कौन सी फसल है जिसमें क्यूरिंग क्रिया नहीं की जाती है? इसका राइट आंसर होगा गन्ना। गन्ने में क्यूरिंग की क्रिया नहीं की जाती है, बाकी तंबाकू में की जाती है, चाय में की जाती है और प्याज में की जाती है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाया जाता है, ठीक है, नमी हटाने के लिए, नहीं तो उसमें क्या हो जाएगा, फंगस लगने की संभावना रहती है। यही क्रिया चाय में भी होती है और प्याज में भी इसकी क्रिया की जाती है, और लहसुन लहसुन में भी क्या होती है, क्यूरिंग की क्रिया की जाती है, ठीक है। ये चार महत्वपूर्ण फसलें, यही एग्जाम में बार बार के मतलब बार बार एग्जाम में यही फसलें जो चार हैं पूछी जाती हैं, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, तंबाकू, चाय, प्याज और लहसुन में क्यूरिंग की क्रिया की जाती है। क्यूरिंग का मतलब होता है नमी हटाना या मॉइस्चर रिमूव करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है? अभी इसके बारे में हमने आप लोगों को बताया भी था और वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है गेहूँ के अंतर्गत है, एशिया की बात करें तो धान का है, ठीक है, एशिया में, और यूए अमेरिका अमेरिका में बात करें तो किसका है, यूएसए में बात करें तो मक्का का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल अब इस समय वर्तमान में गेहूं का है, उससे पूर्व किसका था, धान का था। एग्जाम में ऐसा आता है कि निम्न में से कल्टीवेटेड एरिया सर्वाधिक किसका है, तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या देंगे, गेहूं। नेक्स्ट देखते हैं, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है फेरस की कमी, जिंक की कमी, नाइट्रोजन की कमी और मैंगनीज की कमी, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा जिंक की कमी। जिंक की कमी से पत्तियों के शीर्ष भाग जो होते हैं वो मक्के के क्या होते हैं, शीर्ष भाग जो होता है सफ़ेद हो जाता है, और इसके अलावा खैरा रोग, धान का खैरा रोग भी जिंक की कमी से होता है, ठीक है, धान में खैरा रोग। फेरस की कमी से बात की जाए, इसका राइट आंसर ये होगा जिंक, ठीक है। फेरस की कमी से क्या होता है, मूंगफली में हरिमहीनता, पत्तियों में क्या हो जाती है, हरिमहीनता। और नाइट्रोजन की कमी से फूल गोभी में बटनिंग, यानी कि फूल गोभी में जो फूल होता है यानी कर्ड जो होता है वो कैसा हो जाता है, बटन के आकार का हो जाता है, इस चीज़ को बटनिंग की क्रिया कही जाती है, बटनिंग कहलाता है, ठीक है। फूलों का जो आकार होता है वो छोटा सा रह जाता है, इसी को क्या कहते हैं, बटनिंग कहते हैं, नाइट्रोजन की कमी से होता है। और नाइट्रोजन की अधिकता की बात की जाए तो गाजर का फटना, गाजर जो फट जाती है वो नाइट्रोजन की अधिकता के कारण ही फट जाती है, और नाइट्रोजन की अधिकता के कारण ही जो आलू में हेलो हार्ट डिजीज जो होती है, ऑक्सीजन की कमी और नाइट्रोजन की अधिकता के कारण आलू में क्या हो जाती है, हेलो हार्ट डिजीज भी लगती है, ठीक है। और मैंगनीज की कमी से आप लोगों ने देखा होगा उसका मटर की मार्स डिजीज जो होती है वो मैंगनीज की कमी से ही होती है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ आप लोग। और इसके अलावा वो पहला डिजीज जो होती है ये किस में होती है, गन्ने में, ये भी किसकी कमी से होती है, मैंगनीज की कमी से होती है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे आगे। और मटर में मार्स डिजीज। नेक्स्ट है, विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है चीन, रूस, भारत, यूएसए, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा भारत। विश्व में कपास का क्षेत्रफल सर्वाधिक भारत में है। अब भारत में बात की जाए, भारत में क्षेत्रफल सर्वाधिक किन किन राज्यों में है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल महाराष्ट्र, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात और आंध्र प्रदेश, ठीक है। और उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात का है, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का है और तृतीय स्थान आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को कहते हैं शुगर इंडेक्स,
ब्रिक्स, सुक्रोज इंडेक्स, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ब्रिक्स। गन्ने में, गन्ने की परिपक्वता को पता लगाने के लिए ब्रिक्स रेडिंग देखी जाती है, ब्रिक्स रेडिंग, ठीक है। और ये ब्रिक्स रेडिंग परिपक्व गन्ने में कितनी होनी चाहिए, 17 से 18 होनी चाहिए रेडिंग, ठीक है। ब्रिक्स रेडिंग 17 से 18 के पास आसपास होनी चाहिए। और चीनी का पता लगाने के लिए गन्ने में, गन्ने के रस में चीनी का पता लगाने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, रिफ्रैक्टोमीटर। गन्ने में, गन्ने के रस में चीनी की मात्रा का पता लगाने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और ब्रिक्स रेडिंग के द्वारा गन्ने की परिपक्वता का पता लगाया जाता है, जो कि परिपक्व गन्ने में इसकी रेडिंग जो होती है सामान्यता कितनी होनी चाहिए, 17 से 18 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश में की गई थी, ये हम पिछले क्लास में ये क्वेश्चन पूछे थे और यहाँ पे फिर इसे शामिल किया गया क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा शिव रामन समिति। शिव रामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की जाती है, ठीक है। और इसके वर्तमान में जो इसके निदेशक हैं वो कौन हैं, गोविंद राम चिंतालू, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब बाकी यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे अशोक मेहता समिति, द्विस्तरीय, अशोक मेहता समिति थी जो द्विस्तरीय पंचायती राज, द्विस्तरीय पंचायत के गठन की बात किसने कही थी, अशोक मेहता ने। त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश 1956 में बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। और तारेकुंडे समिति जो है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है, इसी के द्वारा जो मतलब वोटर की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश की गई थी, जो कि 61वें संविधान संशोधन सन 1989 में घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। ये चारों महत्वपूर्ण समितियां हैं, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन एक अरहर की किस्म नहीं है, प्रभात, उपास, मानक और अवरोधि। ये लास्ट क्लास में हम बताए भी थे, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अवरोधि, अवरोधि किस्म जो है ये चने की है। और किस क्षेत्र के लिए इसे मतलब सुझाया गया है बुआई के लिए, तो उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश खास है इसमें, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए ये संस्तुत ब्राइटी है। और प्रभात, उपास और मानक ये किसकी ब्राइटी हैं, अरहर की हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब होती है, 1 जुलाई 2015, 13 जनवरी 2016 और 19 फरवरी 2015, 12 सितंबर 2019। इसका राइट आंसर होगा 13 जनवरी 2016। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को होती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 1 जुलाई 2015 की बात करें तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो थी वो कब स्टार्ट की गई थी, 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट की जाती है। और 19 फरवरी की बात करें, 19 फरवरी 2015 को सॉइल हेल्थ कार्ड जो कि कहाँ से, राजस्थान के सूरतगढ़ से, ठीक है, 19 फरवरी 2015 को प्रारंभ होती है। और 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत कब होती है, 12 सितंबर 2019 रांची झारखंड,
रांची झारखंड, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये मत समझना कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत जो होती है वो 24 फरवरी 2019 को होती है और उसकी घोषणा 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल के द्वारा की जाती है और 24 फरवरी 2019 को प्रथम किस्त का जो उद्घाटन होता है, शुभारंभ किया जाता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गोरखपुर से किया जाता है। और वो लागू कब से होती है, तो लागू होने वाला भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वो एक दिसंबर 2018 से वो लागू होती है, ठीक है। ये चीज़ तीनों डेट आप लोग ध्यान रखेंगे, 1 दिसंबर 2018 से लागू होती है, शुभारंभ हो इसकी घोषणा जो की जाती है पीयूष गोयल के द्वारा 1 फरवरी 2019 को, और पहली किस्त का शुभारंभ जो पहली किस्त डाली जाती है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रारंभ की जाती है, ठीक है। तीनों डेट आप लोग ध्यान रखेंगे 24 फरवरी 2019। और ये प्रधानमंत्री कौन सी है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसके अंतर्गत कृषकों को जो 2 हेक्टेयर तक के मतलब भूमि वाले कृषक हैं उनके लिए एक पेंशन योजना स्टार्ट की गई थी, जिसके अंतर्गत आयु जो कृषक की रखी गई है 18 से 40 वर्ष के बीच रखी गई है, और इसमें पात्र जो कृषक हैं वो अपना मतलब एक योगदान देकर प्रीमियम फिक्स किया गया है, वो प्रीमियम जमा करना है, और जितना प्रीमियम कृषक जमा करता है उतना ही प्रीमियम मतलब गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी होती है। और जैसे ही कृषक की आयु मतलब 60 वर्ष पूरी होती है उसके बाद उसको 3000 रुपये तक की पेंशन की व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत की गई, और इसका शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था, और दोस्तों अगर आपको ये आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताना, ठीक है। और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिखकर अवश्य बताना, जिससे कि हम आगे की क्लास भी ला सकें और हमें थोड़ा मतलब मोटिवेशन भी मिल सके, ठीक है दोस्तों। और देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।